हाय गाइज, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम पुरानी लेगीज का यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि एक टाइम पर तो लेगी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थी, लेकिन अभी लेगीज को कोई भी जो है पहनना पसंद नहीं करता है, क्योंकि उनका अभी जो है बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं है। तो ऐसे में हम उन नई नई लेगीज को फेंक तो नहीं सकते हैं, लेकिन आज कुछ ऐसा यूज कर सकते हैं जो कि हमारे काम आसान हो जाएंगे और हमारी लेगी यूज हो जाएंगी। तो सबसे पहले डबल फोल्ड करते हुए देखिए, मैंने लेगी को यहाँ पर रखा, 22 इंच पे मैंने मार्किंग की यहाँ से, और फिर यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया है। जस्ट एक कट लगाना है, कुछ भी नहीं करना है, और ये हमारे लिए दो काम की चीज़ें बनकर तैयार हो गई हैं। तो यहाँ पर 2 इंच पे देखिए, इस तरीके से छोटा सा हम यहाँ पे कट लगाएंगे, बिल्कुल छोटा सा, और सेम तरीके से दूसरी साइड वाले पीस के ऊपर भी 2 इंच इस नीचे की तरफ से छोटा सा कट लगाएंगे। अब देखिए, हम इनको इस तरीके से हाथ में डालेंगे तो ये हमारे हैंड ग्लव्स बन करके तैयार हो जाते हैं, जो कि मार्केट में हमें 150 रुपये के आसपास मिलते हैं। वो हमारे जीरो कॉस्ट में घर पर बन करके तैयार हो गए हैं, क्योंकि अभी धूप बहुत तेज़ होती है और हमारे हाथों को प्रोटेक्शन के लिए हमको जो इस तरीके के हैंड ग्लव्स की ज़रूरत होती है। तो आप देखिए, इस तरीके से वेस्ट पड़ी चीज़ों से ही जो है आप इनको बना सकते हो। तो देखिए, इसमें अंगूठा आ गया है जो हमने छोटा सा कट लगाया था, और अब ये बिल्कुल भी जो है नीचे नहीं खिसकने वाले हैं, नहीं ऊपर खिसकने वाले हैं, और बिल्कुल अच्छी फिटिंग आई है। अब नेक्स्ट आइडिया के लिए देखिए, जो ऊपर जो कट लगाने के बाद जो ऊपर वाला पार्ट बचा था, तो इससे देखिए कितनी प्यारी हमारी जो है जैकिंग बन करके तैयार हो गई है। तो इस तरीके से हमने 2 तरीके से इसको यूज किया है। अब तीसरे आइडियाज़ के लिए देखिए, मैंने दूसरी लेगीज ले ली है, इसको हम इस तरीके से देखिए डबल फोल्ड करेंगे फिर से, और अब देखिए हमको क्या करना है, या जो नोक है इसकी, इस पर 3 इंच पे ऊपर की तरफ और 3 इंच पे नीचे की तरफ मार्किंग करेंगे, और हल्की सी गोलाई देते हुए यहाँ पे मार्किंग करके इसको हम कट कर देंगे। अब इसको हम फैलाएंगे कुछ इस तरीके से, तो ये बहुत ही प्यारा टॉप पार्ट बनकर के तैयार हो जाता है। आप इसको साड़ी के साथ में ब्लाउज की तरह यूज कर सकते हो, और ऐसे भी आप जो है टॉप की तरह यूज कर सकते हो। तो है ना, बहुत ही कमाल का आइडिया, देखिए कितना प्यारा लग रहा है, पता ही नहीं चल रहा कि इसको हमने लेगी से कट करके बनाया है। अब नेक्स्ट आइडिया के लिए फिर से देखिए, इसी लेगी को लिया है मैंने, और यहाँ से एक पार्ट कट कर देंगे हम इसका, दोनों पार्ट कट मैंने नहीं किए हैं। अभी यहाँ से पकड़ेंगे इसको, और देखिए नीचे से हम गोलाई देंगे इसके ऊपर कुछ इस तरीके से, इलास्टिक थोड़ा मोटा है तो हार्ड हो रहा है ये पार्ट, तो सिंगल करके इस तरीके से हम जो है फिनिशिंग देंगे इसके ऊपर, और नीचे से आप चाहो तो इलास्टिक भी कट करके निकाल सकते हो इसमें से, ये देखिए इस तरीके से। तो ये हमारी जो है बहुत ही प्यारी जो है अभी गर्मियों में पहनने के लिए ये जैकेट बन जाती है इस तरीके से। जब भी हम धूप में बाहर निकलते हैं, हाफ स्लीव्स के हम कपड़े पहनते हैं, तो ऊपर से हम इसको देखिए इस तरीके से कैरी कर सकते हैं। देखिए कितना प्यारा लुक आया है, पता ही नहीं चल रहा कि हमने लेगी का यूज किया है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा है। अब नेक्स्ट आइडिया के लिए देखिए, मैंने फिर से जो है तीसरी लेगी ले ली है यहाँ पर। देखिए बीच वाला जो इसका सिलाई वाला हिस्सा है, सिलाई के बिल्कुल पास पास से हमको जो है इसको कटिंग करना है कुछ इस तरीके से। बिल्कुल आराम से इसकी कटिंग करेंगे, ताकि इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी कटिंग ना हो जाए। अब इसको सीधा करेंगे, और देखिए यहाँ से इस तरीके से पकड़ेंगे हम इसको, और अच्छे से इसको फैला लेंगे। अब देखिए, जितनी आपको लंबाई चाहिए उतनी लंबाई के अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे। तो मुझे 38 की लंबाई चाहिए, तो 38 इंच तक की लंबाई हम रखेंगे और यहाँ से कट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 10 इंच पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि हमको नीचे से 10 इंच ओपन रखना है इसको, यहाँ तक ओपन रखना है, और यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। अब देखिए यहाँ से जो किनोर टेढ़े हैं, इनको थोड़ा सा कट करेंगे और ये सीधे हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है हमारे सेफ वेयर बन करके तैयार हो जाते हैं, जो कि मार्केट में महंगे मिलते हैं, लेकिन हमने इनको जीरो कॉस्ट में घर पर बना करके तैयार कर लिया है।
अब नेक्स्ट आइडिया के लिए मैंने राइस बैग लिया है और इस तरीके से डबल फोल्ड कर दिया है। तो इस तरीके से देखिए किनोर के ऊपर हमें गोलाई दे देनी है, इसके दूसरे किनोर के ऊपर भी इसी तरीके से हम गोलाई दे देंगे इसमें, और अब इसको सीधा कर लेंगे। अब देखिए हमको चाहिए दो पीस कपड़े के, तो आप पुरानी बेडशीट का यूज कर सकते हो, पुरानी साड़ी का यूज कर सकते हो, पुराने शर्ट का भी इसमें यूज कर सकते हो, कुर्ती का भी इसमें यूज कर सकते हो, यानी कि कोई भी कपड़ा हो इसमें आप यूज कर सकते हो। मेरे पास नहीं थे तो मैं कुछ ना कुछ और बना लेती हूँ, इसीलिए जो है मेरे को ये कपड़ा कट करके लेना पड़ा। तो इस तरीके से देखिए कट करने के बाद हमको क्या करना है, इसको जो राइस बैग का पीस है इसको हमें बीच में रखना है इसके, और कटिंग करते टाइम मैंने एक एक इंच साइड में एक्स्ट्रा कट किया है कपड़ा, और फिर देखिए बीच में इस तरीके से रख के फिर हमें इसके ऊपर जो है सिलाइयाँ लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद आपको आप देख सकते हो 2 इंच चौड़ी एक पट्टी लेंगे और इस पट्टी को हम इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे, कौन सी भी साइड रख सकते हो आप, और सिलाई में हमको इसको जो है 1/2 इंच दबाना है, और यहाँ पर कोई भी चुन्नट वगैरह कुछ भी नहीं इसमें डालनी है हमको, बस सीधा सीधा ऐसे ही इसको जो है इसके ऊपर अटैच कर लेंगे। गाइज अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। मेरा एक चैनल और है, ब्लॉग चैनल है, जिसका नाम है अंजू ऑफिशियल, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि उसके ऊपर भी जो है आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से पूरे को अटैच करने के बाद हमको क्या करना है, ओवरलैप करना है इसके ऊपर लगभग 1 से 1.5 इंच इस तरीके से, और एक्स्ट्रा को कट कर देंगे। अब इसको देखिए पलट लेंगे दूसरी साइड और इसको इस तरीके से पकड़ेंगे यहाँ से, और इस तरीके से इसके ऊपर रखते हुए जो है डबल फोल्ड करते हुए हमें जो है अब किनोर की सिलाई लगानी है, और इसको जो है हमें इस तरीके से फोल्ड करना है, चुन्नट आए तो आने देना इस तरीके से, लेकिन हमको इधर की साइड ज़्यादा फिनिशिंग से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये दिखने वाली नहीं है ये फिनिशिंग आपकी इधर की साइड से, तो चुन्नट आ रही है तो कोई बात नहीं है, इस तरीके से आप चुन्नट डालते जाएं किनोर के ऊपर और इसको जो है आप सिलाई से अटैच करते जाएं। इस तरीके से हमको ये बेस बनाकर तैयार करना है, और बिल्कुल ही आसानी से फोल्ड हो रहा है ये, बिल्कुल भी जो है आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। ये देखिए किनोर के ऊपर बस एक चुन्नट आ रही है, तो इस तरीके से इजीली जो है ये आपका बेस बनकर तैयार हो जाएगा। कहीं पर भी कंफ्यूज होते हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, डेफिनेटली आपके कमेंट का जवाब दूंगी। ये देखिए पूरा फिनिशिंग से ही हमारा अटैच हो गया है, ये देखिए, और ये नीचे की तरफ करेंगे हम, ये ऊपर की तरफ करेंगे, तो एक बार साइड में रख देते हैं। अब देखिए मैंने पुरानी लेगी ली है और आप देख सकते हो किस तरीके से कट फट गई है, ये बिल्कुल ही लूज हो गई है ये लेगी, और लेगी का वैसे भी हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसके ऊपर सिलाइयाँ लगाते हैं कुछ बनाने के लिए तो जो है इसमें कट लग जाते हैं, लेकिन अगर हम डोरमेट बनाएंगे तो उस वक्त वो जो आपके कट भी लगेंगे तो भी नज़र नहीं आएंगे। तो इसको इस तरीके से हमें जो है साइड से इसको कट करना है, और नीचे से ये डबल फोल्ड है इसको कट करके जो है हमें निकाल देना है यहाँ से, और डबल लेयर में ही जो है अब हमको यहाँ से 2 इंच चौड़ी पट्टी कट करनी है, और 2 पट्टी एक साथ कट हो जाएंगी क्योंकि ये सॉफ्ट कपड़ा है, इजीली कटिंग हो जाएगी इस तरीके से, ये देखिए। और फिर देखिए दूसरी पट्टी भी लंबी कट हो जाएगी इसमें, फिर बाद में मैं बताऊंगी, सारी पट्टी आपकी लंबी कट नहीं होने वाली है, तो आप किस तरीके से इसकी कटिंग कर सकते हो। मैं बिल्कुल भी इसमें कपड़ा वेस्ट नहीं करने वाली हूँ, काटने का जो तरीका है वो मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से कटिंग कर देंगे, ये देखिए अब इस पीस को यहाँ से कट कर देंगे, और ये देखिए इसको इस तरीके से कटिंग कर देंगे हम, आगे से जो ये पीस निकला है इसको भी हम लास्ट में यूज कर लेंगे। और अब देखिए इसको यहाँ से कटिंग करेंगे, एक्स्ट्रा है टेढ़ा मेढ़ा उसको कट करके निकाल देंगे, ये पीस फेंकेंगे नहीं, रख लेंगे, क्या पता हमको बाद में ज़रूरत पड़ जाए, कपड़ा कम पड़ जाए कलर के लिए तो हमको यूज में आएगा ये कपड़ा। तो मैं देखिए छोटे छोटे पीस भी उठा के रख रही हूँ इसके। तो इस तरीके से जो है एक पैर की लेगी कटिंग हो जाती है, सेम तरीके से दूसरे पैर की भी कटिंग कर लेंगे। अब बेस को रखेंगे, और बेस को देखिए मैंने कौन सी साइड से रखा है, जिधर से हमने फोल्ड किया था। अब इसके ऊपर इस पट्टी को रखेंगे बिल्कुल ही किनोर के ऊपर, और आधी पट्टी बाहर निकाल दी, आधी पट्टी अंदर की साइड है। अब देखिए जूम करके मैं आपको दिखा रही हूँ, और हमको क्या करना है, छोटी छोटी चुन्नट डालते जाना है इसमें इस तरीके से,
और बिल्कुल ही किनोर के ऊपर सिलाई चला रही हूँ मैं ये वाली। तो इस तरीके से किनोर के ऊपर सिलाई चलाते जाएंगे और इसको जो है चुन्नट डालते हुए जो है अटैच करते जाएंगे। दूसरी लेयर को लगाएंगे जस्ट इसके पास में। और गाइस बिल्कुल जस्ट देखिए इसके पास में हमको ये इस तरीके से लगाना है। सिलाई की दूरी है नीचे की तरफ से पलट कर देखेंगे तो आधा इंच से भी कम दूरी है, इतना नज़दीक मैंने इसको लगाया है। ज़्यादा नज़दीक लगाएंगे तो ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा, भरा हुआ पायदान बनेगा, सुंदर लगेगा। दो सिलाइयाँ ज़्यादा आएंगी आपकी, लेकिन बनने के बाद जो लुक आएगा वो बहुत ही प्यारा आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर कंजूसी नहीं करनी है, ज़्यादा दूर दूर ये पट्टी नहीं लगानी है हमको, बिल्कुल पास पास में लगानी है ये पट्टी। सेम तरीके से हमको चौथी लेयर लगानी है। देखिए तीन लेयर हो गई है और एक लेयर और लगाएंगे ब्लू कलर के कपड़े से, चार लेयर हो गई है। और यहाँ तक कितना सुंदर इसका लुक आया है बनकर। अब देखिए मैंने व्हाइट कलर की लेगी ली है और इसका इलास्टिक कट करके हटा देंगे। सेम तरीके से जो पहले हमने लेगी की कटिंग की थी सेम तरीके से हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। व्हाइट कलर अटैच करते टाइम देखिए क्या करना है, यहाँ से इसको फिर से ऐसे हटा लेंगे और जस्ट इसके पास में से देखिए इस तरीके से रखेंगे हम। और सेम तरीके से हमको जो है इसमें चुन्नट बनानी है। और इस चुन्नट की जो दूरी है वो लगभग 1.25 इंच की है, मतलब 1 इंच से भी कम है जो मैं चुन्नट बना रही हूँ इसकी दूरी। तो गाइस देखिए व्हाइट कलर की दो लेयर हो गई है यहाँ तक और तीसरी लेयर को रखेंगे अब हम सेम तरीके से। तो देखिए ये यहाँ तक भर गया है 6 लेयर में। अब देखिए हमको फिर से ब्लू कलर लेना है, इसमें अंदर जितना ओपन है अब इसमें हम ब्लू कलर डालेंगे। तो सेम तरीके से हम इसमें ब्लू कलर डालेंगे अब। तो ये हमारा प्यारा सा गुदगुदा सा पायदान बन करके तैयार हो गया है। अगर आपकी लेगी कहीं से फटी और कटी हुई है, इलास्टिक लूज हो गया है, तो उसको आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। तो आज मैंने 5 आइडियाज आपके साथ शेयर किए हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि 5ों में से कौन सा आइडिया जो है आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है और कौन सा आइडिया आपके लिए ज़्यादा यूजफुल रहा है, तो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय।